हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर यानी कि एसएससी जेई का जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यानी कि अभी 2019 में जो आपका फॉर्म निकला था जिसका एग्ज़ाम 2020 में हुआ अक्टूबर मंथ में, जैसा कि आप डेट भी देख सकते हैं 28/10/2020 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर जो कि 2020 में कंडक्ट हुआ था, फॉर्म फिलअप हुआ 2019 में। तो सारा कुछ आपके सामने है, देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम टाइम और आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल। सो स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से। पहले हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सेक्शन करेंगे जिसमें आपका 50 क्वेश्चंस होगा। देन आपका जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर रहेगा, उसमें आपका 50 क्वेश्चंस। देन हमारा 100 क्वेश्चंस रहेगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं जैसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये क्वेश्चन है तो कुछ देर पर ये क्वेश्चन पर रुकूँगा, देन मैं यहाँ पर मूव फॉरवर्ड कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही है ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल अंदाजा हो जाए और प्रीवियस ईयर पे क्या पैटर्न चल रहा है, और आपको इस ईयर जो कि नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है यानी कि आपका जो अभी मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है इसी मंथ, उसमें जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको यहाँ पर हेल्प मिलेगा काफ़ी, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी पता चल जाए और लेवल भी, इसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। सो स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन से। सो यहाँ पर मैं कुछ देर के लिए क्वेश्चन रुकूँगा, देन मूव फॉरवर्ड कर दूँगा, तो आपको स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा या फिर आप यहाँ पर पॉज करके भी मूव फॉरवर्ड प्ले करके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं, देन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट। 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 देन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट। देन नेक्स्ट। Then next, then next, 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 next. 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 Then 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 next. 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 Then next. Then next. 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 Next.
नेक्स्ट 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 देन नेक्स्ट देन नेक्स्ट 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 then next then next so हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहा रीजनिंग का। अब यहाँ से हमारा जनरल अवेयरनेस स्टार्ट हो जा रहा है, तो स्टार्ट कर लेते पहले क्वेश्चन से। द बेस SI यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस रिप्रेजेंटेड बाय सबका मोल। देन नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स आर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो आपका ग्लाइकोजन। देन नेक्स्ट एज पर द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मोस्ट इनोवेटिव मेजर स्टेट इन इंडिया, सबका कर्नाटका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन टू द आई, सबका प्यूपिल। देन अमंग द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच वन ऑक्यूपाइज द हाइएस्ट प्लेस इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग थ्री, सबका ऑर्डर। देन नेक्स्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज रिलेटेड टू, तो आपका रोड नेटवर्क। देन नेक्स्ट आपका इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आफ्टर अ रेन शावर सनलाइट इज डैश बाय टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो सनलाइट डिस्पर्स्ड। देन नेक्स्ट आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री द टर्म NBPW रिफर्स टू, सबका पोट्री टाइप। देन नेक्स्ट एज पर द एडल गिव यूरेन इंडिया फिलेंट्रॉफी लिस्ट 2019 हु अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट फिलेंट्रॉफिक प्राइवेट इंडिविजुअल इन इंडिया, सबका शिव नदर। देन नेक्स्ट आपका इन इंडिया गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन द बर्थडे ऑफ, तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी। देन नेक्स्ट आपका इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्टोग्राफी कंटूर्स आर द इमेजिनरी लाइन्स ज्वाइनिंग प्लेसेस विथ इक्वल, सबका अल्टीट्यूड अबव मीन सी लेवल। देन नेक्स्ट आपका एज पर द लाइव स्टॉक सेंसस 2019 ऑफ इंडिया द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीजेज इन द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन एज कम्पेयर टू 2012 सेंसस इज, सबका 4.6। देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट टाइटल्ड ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया इन 2018 वाज, सबका 2967 2967 टाइगर्स। देन नेक्स्ट आपका साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द आपका सेल्स। देन नेक्स्ट एज ऑफ दिसंबर 2019 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, तो आपका अमिताभ कांत। नेक्स्ट द जीन्स टू विच ह्यूमंस बिलोंग्स टू, सो आपका होमो। देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कैल्सीफेरॉल, तो आपका विटामिन डी। देन नेक्स्ट निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना था, सबका मदन मोहन मालवीय। देन नेक्स्ट एज पर द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस ऑफ ऑर्चिड्स इन इंडिया पब्लिश्ड बाय द बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनवील्ड इन जुलाई 2019 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्चिड स्पीसीज फाउंड इन इंडिया इज, सबका 1256 1256। द फर्स्ट क्रूड ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया वॉज सेटअप एट, सबका डिगबोई।
देन नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2019 द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट डिक्लेयर दैट पीपल हैविंग मोर देन टू चिल्ड्रन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर 1 जनवरी 2021। सबका आसाम। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, तो आपका कोयना डैम। देन नेक्स्ट, इन जुलाई 2019 रिसर्चर्स डिस्कवर्ड ड्रैकेना कम्बोडियाना इंडियाज फर्स्ट ड्रैगन ब्लड ओजिंग ट्री इन, तो आपका आसाम में। देन नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ डायनामाइट, सबका अल्फर्ड नोबेल। देन व्हेन ह्यूमन सी एन ऑब्जेक्ट इट्स इन्वर्टेड रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द, सबका रेटिना। देन नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज चांदीपुर बीच लोकेटेड, तो आपका ओडिशा। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा, सबका माही नदी नहीं है। देन नेक्स्ट, पॉलीग्राफ इज अ डिवाइस कॉमनली यूज बाय लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज फॉर, सबका लाई डिटेक्शन। देन नेक्स्ट, इसरो इज रिलेटेड टू, सो आपका स्पेस रिसर्च। देन नेक्स्ट, बेलगाम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपका कर्नाटक। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज वॉज क्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द ईयर 2019, तो आपका जल शक्ति मिनिस्ट्री। देन नेक्स्ट, इन जुलाई 2019 स्पेस क्राफ्ट ऑफ जापान स्पेस एजेंसी लैंडेड ऑन एन एस्ट्रॉयड, द नेम ऑफ द एस्ट्रॉयड इज, सबका राइगू। देन नेक्स्ट, आपका 2019 के नवंबर महीने में निम्नलिखित में से किस श्रीलंका को राष्ट्रपति चुना गया, सबका गोटाबाय राजपक्षे। देन नेक्स्ट, आपका हु अमंग द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर्स गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, तो आपका सुभाष चंद्र बोस। देन नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स इज नॉट वन ऑफ द फाइव विजिटेन क्रिकेटर्स ऑफ द डिकेड डिक्लेयर्ड इन दिसंबर 2019, सो आपका रोहित शर्मा ऑप्शन के हिसाब से। देन नेक्स्ट, आपका द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज सच एज डाटा स्टोरेज सर्वर्स एंड डाटा बेस ओवर द इंटरनेट इज नोन एज, सो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। देन नेक्स्ट, आपका ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स मेंशनड इन द ऑप्शन बिलो हु वॉज द अर्लीस्ट टू विजिट इंडिया, सो आपका मेगास्थिनीज। देन नेक्स्ट, आपका द सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम निक नेम्ड सबका विश्वास विच वॉज मैंसनड इन द यूनियन बजट 2019 to 2020 इज एम्ड एट, सबका सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स कैन नॉट बी फाउंड इन अ रेनबो, सबका पिंक नहीं होता रेनबो में। देन नेक्स्ट, आपका भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों के परिषदों में सीटों के आवंटन का उल्लेख है, सबका चौथी अनुसूची में। देन नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल इंडिसेस रिलीज्ड इन द ईयर 2019 डिड इंडिया सिक्योर द 102nd रैंक अमंग 117 कंट्रीज, सबका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। देन नेक्स्ट, आपका द टेक्स्ट कॉल्ड बिजाक इज कंप्लीशन ऑफ द कंपोजिशन बाय, सबका कबीर। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट मेंशनड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबका इगलिट्रिज्म। देन नेक्स्ट, आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्नलिखित में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए, सबका राष्ट्रपति। देन नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज स्पेस रिसर्च वायुमित्र इज द नेम ऑफ, तो आपका एन इंडियन रोबोट। देन नेक्स्ट, आपका उस देश की पहचान करें जिसे पाक जल डम रुमध्य यानी कि पाक स्ट्रेट के ने भारत से अलग किया है, सबका श्रीलंका। देन नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, तो आपका उबंटू वेब ब्राउजर नहीं है। देन नेक्स्ट, आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सबका जोसेफ हेनरी। देन नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित में से कौन जनरल बिपिन रावत के बाद थल सेना अध्यक्ष बने, सबका एम के नरवने। देन नेक्स्ट, आपका फीफा टीम ऑफ द ईयर टाइटल फॉर द ईयर 2019 वाज बैक्ड बाय, सबका बेल्जियम। सो हमारे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ से हमारा आपका इलेक्ट्रिकल यानी कि ब्रांच वाइज आपका स्टार्ट हो जाता है। सो
स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका, ये आपका न्यूमेरिकल है, सो आपको देख लीजिए। देन नेक्स्ट, सो ये भी न्यूमेरिकल है। देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पिरानी गॉज इज, सो आपका चेंज इन थर्मल कंडक्टिविटी। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, सो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका कॉपर। देन नेक्स्ट आपका द डैश कॉजेज अ रियल पावर लॉस इन द कंडक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन्स, तो आपका सीरीज रेजिस्टेंस। देन नेक्स्ट पिन इंसुलेटर्स आर नेवर यूज फॉर वोल्टेज अबव, तो आपका 33 kV। देन नेक्स्ट ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा आपको। देन नेक्स्ट 10 joules per coulombs इज इक्वल टू, तो आपका 10 volt per second। देन नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज, सो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। देन नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज डीसी वेल्डिंग बेटर देन एसी वेल्डिंग, सो आपका आर्क स्टेबिलिटी में। देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एडवांटेज ऑफ स्क्विंग इन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, तो आपका इट इंक्रीजेज स्टार्टिंग टॉर्क। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट डैश इज अ सीरीज टाइप अनबैलेंस्ड फॉल्ट दैट अकर्स इन अ पावर सिस्टम, सो आपका ओपन कंडक्टर फॉल्ट। देन नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू जनरल प्रैक्टिस द लैंड रिक्वायर्ड फॉर अ 400 kV सब स्टेशन इज, सो आपका 50 acres। देन नेक्स्ट फॉर अ डैश इंडक्शन मोटर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड माई एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन सीरीज विद द रोटर सर्किट फॉर स्टार्टिंग पर्पसेज, सो आपका स्क्वायरल केज में। देन नेक्स्ट आपका सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट इन केस ऑफ डीसी मशीन द ब्रश कॉन्टैक्ट ड्रॉप इज एज्यूम टू बी डैश फॉर कार्बन ब्रशेज, तो आपका 2 volt। देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ वायरिंग हैज़ पुअर ड्यूरेबिलिटी, सो आपका क्लेट वायरिंग। देन नेक्स्ट सो नेक्स्ट 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 इन 3-phase ट्रांसमिशन लाइन द एक्सचेंज ऑफ कंडक्टर पोजिशंस एट रेगुलर इंटरवल्स अलॉन्ग द लाइन इज कॉल्ड, तो आपका ट्रांसपोजिशन। देन नेक्स्ट तो इसका 3600 rpm ईजी है। देन नेक्स्ट आपका सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट इंडक्शन हीटिंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, सो आपका वुड ग्लूइंग। देन नेक्स्ट इफ द नेटवर्क हैज ए डैश बिटवीन टू नोड्स कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर नोड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नोडल एनालिसिस, तो आपका इफ अ नेटवर्क हैज वोल्टेज सोर्स। देन नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सिंक्रोनस मशीन्स, सो आपका एन अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन्स एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर। देन नेक्स्ट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड्स इज अ PNPN डिवाइस विथ 2 terminals, सो आपका सॉकले डायोड। देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ सिंक्रोनस मशीन इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल मेथड, सो आपका 0 power factor मेथड। देन नेक्स्ट टी टाइप थर्मोकपल इज मेड ऑफ, तो आपका कॉपर कॉन्स्टेंटन। देन नेक्स्ट नेक्स्ट इन केस ऑफ नॉमिनल टी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन्स द शंट कैपेसिटेंस कैन बी, सो आपका अज्यूम टू बी लम्प्ड एट द मिडिल ऑफ द लाइन।
देन नेक्स्ट, फॉर अ सर्टेन ट्रांजिस्टर बीटा इज इक्वल टू 50 फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो आपको इसको इजी है 0.98 कैलकुलेट करके आ जाएगा। देन नेक्स्ट, इन एन इंडक्शन मोटर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लिप टू गेट मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। तो स्लिप का आपका फॉर्मूला R2/X2। देन नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेजिस्टिव वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड एट द ज्वाइंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो आपका I²R। देन नेक्स्ट, फॉर मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स म्यूचुअल इंडक्टेंस इज ऑलवेज, तो आपका पॉजिटिव। देन नेक्स्ट, आइडेंटिफाई अ वैलिड डिसएडवांटेज ऑफ HVDC ट्रांसमिशन लाइन्स, तो आपका एक्सपेंसिव कन्वर्टर्स। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इज टू बी एडेड इन प्योर जर्मेनियम टू ऑब्टेन पी टाइप सेमी कंडक्टर, तो आपका गैलियम। देन नेक्स्ट, आपका आपको सॉल्व करना होगा न्यूमेरिकल है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड हीटिंग एलिमेंट, सो आपका हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये नहीं होगा तो भी चलेगा। देन नेक्स्ट, आपका इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैश टर्बाइन इज यूज फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज, सो आपका पेल्टन टर्बाइन। देन नेक्स्ट, फॉर एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करेंट वन अल्टरनेशन इज इक्वल टू, सो आपका 1/2 साइकिल। देन नेक्स्ट, इन अ सिंक्रोनस मशीन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस इज, सो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप लेंथ। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, अ यूनिवर्सल मोटर इज सेट टू बी इंडक्टिवली कंपनसेटेड व्हेन कंपनसेटिंग वाइंडिंग, सो आपका आंसर होगा इज शॉर्ट सर्किटेड ऑन इट्सेल्फ। देन नेक्स्ट, रिलेक्टिविटी इज एनालॉगस टू, सो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो नेक्स्ट, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्लैंट पोल सिंक्रोनस मशीन, तो आपका रिलक्टेंस अलॉन्ग द डायरेक्ट एक्सिस इज स्मॉलर दैन डेट अलॉन्ग द क्वाड्रेचर एक्सिस। देन नेक्स्ट, आपका न्यूमेरिकल। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ वायरिंग इज द कॉस्टलीएस्ट, सो आपका कंड्यूट वायरिंग। देन नेक्स्ट, आपका डैश टाइप ऑफ DC जनरेटर डज नॉट नीड इक्वलाइजर्स फॉर सेटिस्फैक्ट्री पैरेलल ऑपरेशन, सो आपका अंडर कंपाउंड। सो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेड टाइप फ्लो मीटर, सो आपका पिटेड ट्यूब। देन नेक्स्ट, आपका इन सिलिकॉन डैश एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू पुश द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन नेक्स्ट, आपका सो आपको सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेव द एवरेज वैल्यू एंड द RMS वैल्यू आर इक्वल, तो आपका स्क्वायर वेव के लिए। देन नेक्स्ट, आपका द फॉलोइंग सिंबल इज यूज फॉर, सो आपका टनल डायोड का है। देन नेक्स्ट, रेगुलेशन कर्व ऑफ DC जनरेटर इज ऑल्सो कॉल्ड, सो आपका आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक। देन नेक्स्ट, अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विथ सिंगल स्टेटर वाइंडिंग इनहेरेंटली हैज, सो आपका 0 स्टार्टिंग टॉर्क होता है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, सो आपका वाइंडिंग रेजिस्टेंस आर हाई ये गलत है। देन नेक्स्ट, आपका इन DC मशीन्स द मैग्नेटाइजेशन कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन, सो आपका एयर गैप फ्लक्स एंड फील्ड वाइंडिंग करेंट। देन नेक्स्ट, फॉर रीवायरेबल फ्यूज इम्प्लॉइंग कॉपर वायर एज अ फ्यूजिंग एलिमेंट द फ्यूजिंग फैक्टर इज, तो आपका फ्यूजिंग फैक्टर 1.92। देन नेक्स्ट, आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टेरेसिस मोटर, सो आपका हाई पावर। देन नेक्स्ट, आपका इन अ सिंक्रोनस मशीन एज द मशीन साइज डिक्रीजेज, सो आपका PU आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एंड PU सिंक्रोनस रिएक्टेंस डिक्रीजेज। देन नेक्स्ट, द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ डायलेक्ट्रिक हीटिंग इज, सो आपका 50%। देन नेक्स्ट, आपको ये सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट, फॉर अ सीरीज RLC सर्किट सेलेक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, सो आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। देन नेक्स्ट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट इफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड स्लिप इज 5%, सो आपका इजीली आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज। देन नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ अ मेजर्ड ट्रेंड इज कॉल्ड, तो आपका स्टैटिक एरर। देन नेक्स्ट, आपका ये भी आपको सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट, ये भी। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स हैज द लोएस्ट इनिशियल कॉस्ट, आपका गैस पावर प्लांट ऑप्शन के हिसाब से।
देन नेक्स्ट आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, R1 = R2 = R3 = RY। वाई नेटवर्क के लिए आपको बताना है इसलिए। देन नेक्स्ट, हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स। आपको इसको इजीली फाइंड हो जाएगा, 720 किलो जूल। देन नेक्स्ट आपका, द इंक्रीज इन वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ओपन सर्किटेड लाइन और लाइटली लोडेड लाइन व्हेन कंपेयर टू द सेंडिंग एंड वोल्टेज इज कॉल्ड आपका फेरेंटी इफेक्ट। देन नेक्स्ट, सो आपको इसको सॉल्व करना होगा। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड इंसुलेटिंग मटेरियल यूज फॉर केबल्स। आपका हाई परमिटिविटी। देन नेक्स्ट डैश इज यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट, तो आपका थर्मोकपल। देन नेक्स्ट, द ग्रिड ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ एन ऑसिलोस्कोप दैट कंप्राइजेस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस एंड यूज द टू विजुअली मेजर वेवफॉर्म पैरामीटर्स इज कॉल्ड आपका ग्रेटिक्यूल। देन नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट हैज द हाइएस्ट रनिंग कॉस्ट। सो आपका डीजल पावर प्लांट ऑप्शन के हिसाब से। देन नेक्स्ट द क्रेस्ट वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू इट्स टॉप का पीक वैल्यू के बराबर होता है। देन नेक्स्ट, इन अ सिंगल फेज रिपल्सन मोटर टॉर्क इज डेवलप्ड ऑन द रोटर व्हेन द ब्रश एक्सिस इज फिक्स्ड। सो आपका आंसर होगा एट एन एक्यूट एंगल विद द स्टेटर फील्ड एक्सिस। देन नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से कॉपर। देन नेक्स्ट आपका, फॉर अ थ्री फेज मशीन द थ्री वाइंडिंग्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय डैश इलेक्ट्रिकल स्पेस डिग्रीज अलॉन्ग द एयर गैप पेरिफेरी, तो आपका 120। देन नेक्स्ट आपका, विच मोटर हैज टू स्टार्ट विद हाई एक्सेलरेशन, तो आपका लिफ्ट्स एंड सिटी इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स ऑप्शन के हिसाब से। देन नेक्स्ट आपका, इफ एल इज द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर लाइंग विद इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड आई इज द एम्पियर करंट कैरीड बाय इट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट इज। सो आपका आंसर होगा एफ आई एल बी साइन थीटा। देन नेक्स्ट आपका, सो आपका ये सिंपल सा फॉर्मूला था। देन नेक्स्ट व्हेन द रीडिंग ऑफ अ पीएच मीटर चेंजेस फ्रॉम 5 to 7 द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज। सो आपका डिक्रीज 100 times। देन नेक्स्ट सो हमारा लास्ट क्वेश्चन, टर्बाइन एफिशिएंसी ऑफ अ स्टीम थर्मल पावर प्लांट वेरीज बिटवीन। सो आपका 25 to 35%। सो हमारा यहाँ भी ख़त्म हो जाता है 28 अक्टूबर का जो हमारा शिफ्ट था इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। सो ये पूरा पेपर था, तो आप इसी हिसाब से अपने प्रिपरेशन करके जाइए, क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से रहने वाले हैं जैसा कि क्वेश्चन अभी 2020 में पूछा गया था, उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन इस मंथ भी आपका जो होने वाला एग्ज़ाम है उसमें भी आपका पूछा जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।